राकेश सर अगर बात कीजिए तो काफी मिस किया है आपके फैंस ने, काफी इंतजार कर रहे हैं कि राकेश सर कब खास लेकर आए। हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब। दोस्तों शाहरुख खान की एक और मूवी को लेकर जानकारी सामने आ रही है। यह पठान के सक्सेस के बाद एसआरके की जवान और डांकी आने वाली है। डांकी की बाद शाहरुख खान की कौन सी मूवी आने वाली है, इसको लेकर फैंस के मन में काफी सवाल आ रही है। जी हां, धूम 4 डॉन 3 लेकर काफी चर्चा हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक और खबर सामने आई है। यहाँ डांकी के बाद शाहरुख खान एक और स्पोर्ट्स फिल्म लेकर आएगी, ऐसा खबर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पठान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान इन दिनों हर जगह छाई हुई है। पठान की बॉक्स ऑफिस जादू लोगों के सर के ऊपर चढ़ चुका है। पठान अभी तक जबरदस्त कमाई कर रही है। शाहरुख खान इन दिनों दो और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जवान और डांकी। डांकी राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म है। ये वजह है जो लोगों को बेसब्री से इंतजार है के बाद राजकुमार हिरानी के अगली कौन सी फिल्म होने वाली है, इसको लेकर खुलासा हो चुका है। के मुताबिक डांकी के बाद राजकुमार हिरानी मशहूर क्रिकेटर लाला अमरनाथ की बायोपिक बनाएगी। रिपोर्ट की माने तो राजकुमार हिरानी डांकी के साथ शाहरुख खान को लाला रामनाथ की बायोपिक की ऑफर दिया था, लेकिन शाहरुख खान डांकी को चुना। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की तैयारी राजकुमार हिरानी 2019 से रही थी, लेकिन शाहरुख खान डांकी के चुने जाने के बाद इसको रोक दिया था। हिरानी डांकी के बाद इस बायोपिक के ऊपर काम करेंगे। फिर से लाला रामनाथ की बायोपिक की ऑफर शाहरुख खान के कर सकता है।